है। ओ अज्ञान चिरं दस्या ज्ञानं चिरं शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकर्तरी देवस्य कृपा सिन्धुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग पहुंचे थे अंजनौका। आज से हम थोड़ा सा सेशन लंबा करेंगे, तो सेशन में करेंगे लेकिन बीच में ब्रेक नहीं आएगा, तुरंत दूसरे लिंक देकर हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग रत्नाकुंड के आगे दास मंडल और उसके बाद आंजनौक पहुंचे थे, जो कि श्रीमती विशाखा सखी का निवास स्थान है। और फिर वहां पर एक लीला हुई है जिसके बारे में हम अभी सुनेंगे। एक समय श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखियों के साथ एक निर्जन कुंज में, जहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास, ऐसे कुंज में बैठकर सखियों के द्वारा वेश धारण कर रही थी। सखिया राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी, उन्हें सजा रही थी। तो सखियों ने बहुत तरह तरह के गहनों से, आभूषणों से अलंकृत किया, उनको सजाया, और बस उनके आंखों में बस अंजन काजल ही लगाने वाले थे कि उसी समय अचानक कान्हा जी की मधुर बंसी बज उठती है और कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते ही राधा रानी उन्मत्त होकर, एकदम पागल सी होकर, बिना काजल लगाए, बिना अंजन लगाए ही प्राण वल्लभ से मिलने के लिए परम यानी बेसब्र होकर वहां से निकल पड़ती है। वो रुकती नहीं, विशाखा और ये सारी सखियां मिलके उनका श्रृंगार कर रही होती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो उनका आंखों में काजल लगाना रह जाता है और वो ऐसे ही कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच जाती है। और कृष्ण भी बहुत बेसब्र होकर उनका इंतजार कर रहे थे, बड़ी उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब वे प्रियतम थी तो कृष्ण ने उन्हें कुछ यानी फूलों के आसन पर बैठा कर तथा उनके गले में हाथ डालकर नेत्रों से भगवान उनको देखने लगते, अपनी नेत्रों से उनके सारी अंग प्रत्यंग की को निरीक्षण करते हुए, शोभा को निरीक्षण, उनकी सुंदरता को निरीक्षण करते करने लग गए कृष्ण। फिर जब उन्होंने उनकी आंखों में देखा तो देखा कि अंजन नहीं लगाया उन्होंने, काजल लगाया। तो ये देखकर वो सखियों को पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने राधा रानी के श्रृंगार में ये कमी क्यों छोड़ दी और अंजन क्यों नहीं लगाया। तो सखियों ने उठा कि हम लोग तो इनका श्रृंगार कर ही रही थी, प्राय सभी श्रृंगार हो गया था, सब कुछ कंप्लीट फिनिश हो गया था, लेकिन नेत्रों में अंजन लगाना था, किंतु इसी बीच आपकी बंसी मधुर ध्वनि देखती सुनकर, आपकी बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर आपसे मिलने के लिए इतनी उत्कंठित हो गए कि हमारे बार बार अंजन धारण करने के लिए अनुरोध करने पड़े, बिना एक क्षण रुके चल पड़े। तो ऐसा सुनकर कृष्ण रस आवेश में आ जाते हैं, और क्योंकि राधा रानी उनसे मिलने के लिए अपना श्रृंगार भी अधूरा छोड़ के निकल पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपने तो से उनके आंखों में अंजन लगाकर दर्पण के द्वारा उनकी रूप माधुरी का उनको आस्वादन, पहले उनकी आंखों में काजल लगाते हैं फिर उन्हें दर्पण दिखाते हैं। तो इस लीला के कारण इस जो स्थान है इसका नाम हो गया आंजनौक, अंजन यानी काजल, तो इस जगह का नाम ही आंजनौक हो गया। यहाँ पर रास मंडल है जहाँ पे रास लीला हुई थी, और हम जो समझते हैं कि बस एक रास लीला हुई, तो ऐसा नहीं हुआ है। जब भी कृष्ण, राधा रानी और सखियां साथ होती थी तो वहाँ पे रास लीला होता था। तो यहाँ भी एक रास मंडल है जहाँ पे रास, गांव के दक्षिण में किशोरी कुंड है और कुंड के पश्चिम तट पर अंजनी शिला है, जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी को बैठा कर अंजन लगाया। इनफैक्ट वो अंजनी शिला अभी भी मौजूद है उस स्थान पर, और उसमें से अंजन निकलता है, यानी हम अगर उस शिला पर उंगली से ऐसे करते हैं तो उसमें से हमारी उंगली काली हो जाएगी, क्योंकि उसमें से काजल निकलता है, जो काजल कृष्ण ने राधा रानी की आंखों में लगा। जैसे आवेश श्री कृष्ण अंजन लइया, दिलेन राधिका नेत्रे महा हर्ष हइया। और इस तरह कृष्ण ने
में आकर आवेश, रस के आवेश में आकर अंजन लगाया राधा रानी की आंखों में, और उन्हें और राधा रानी को इससे बहुत ही हर्ट आया, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। द नेक्स्ट गांव इज बिजवारी। बिजवारी गांव माने बीच माने जिले। नंदगांव से 1.5 मील दक्षिण पूर्व तथा खायरो गांव 1 मील दक्षिण में यह गांव स्थित है। इस स्थान का नाम, वर्तमान नाम बिजवारी, तो वर्तमान में इस स्थान का नाम बिजवारी। जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मथुरा ले जाने के, तब वो यहीं पर दोनों भाई को रथ पर बैठाते हैं। वो रथ उसी जगह पर रुका था जिस जगह का नाम बिजवारी है अब। तो उनके विरह में सारा गोकुल उनके पीछे पीछे चल रहा था, तो गोपियां भी आई थी उस जगह पर पहुंचते हैं कृष्ण और बलराम के साथ। तो विरह में गोपियां व्याकुल होकर ही साथ हा प्राणनाथ ऐसे बोलती हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं उस स्थान पर। तो उस समय सबको ऐसे लगा मानो आग से विद्युत पुंज गिर गया, यानी बिजली गिर गई हो। जिस पल वो सारी एक साथ हाँ प्राणनाथ बोल के जमीन पर गिर बेहोश होकर, तो ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। विद्युत पुंज का अपभ्रंश, यानी जो बिजली गिरती है उसका ही अपभ्रंश है बिजवारी। तो अक्रूर जी दोनों भाइयों को लेकर बिजवारी से पिसाई, सहार तथा जैत आदि गांव से कर अक्रूर घाट पहुंचे थे और वहां स्नान कर मथुरा पहुंचे थे। तो बिजवारी और नंदगांव के बीच में अक्रूर स्थान है, जहाँ शिला के ऊपर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं। परसों, तो ये परसों नाम से पड़ा। रथ पर बैठे हुए कृष्ण, और जब अक्रूर जी उनको ले जा रहे थे, तो श्री कृष्ण जब रथ पर बैठते हैं तो गोपियों का विरह दशा देखते हैं और व्याकुल हो बेचैन हो जाते हैं, और उनको संदेश भेजा कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि परसों मैं यहाँ वापस अवश्य लौट आऊंगा। तो वो उन्होंने सबको क्या खाकर कहा था कि मैं परसों लौट आऊंगा। तब से इस गांव का नाम परसों हो गया, पर कृष्ण कभी लौट के नहीं आए। तो तब से इस नाम परसों हो गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं परसों लौट आऊंगा। और गोवर्धन और बरसाने के रास्ते में ये गांव स्थित है। सी और पर दोनों गांव पास पास में ही लोकेटेड हैं, और शीघ्र ही आऊंगा बार बार कहा था उन्होंने। वो बार बार कह रहे थे शीघ्र ही आऊंगा। जब वो देखते हैं कि सब की क्या दशा हो रही है उनके विरह में, तब वो बार बार रथ में बैठे बैठे कह रहे थे कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, मैं शीघ्र ही आऊंगा। शीघ्र शब्द से इस लीला स्थली का नाम क्या पड़ गया? सी। तो इसलिए उस गांव का नाम है सी गांव। मथुरा है से शीघ्र करीब गांव, ए हेतु शीघ्र सी कहे सर्वजन। काम आई या अष्ट सखियों में प्रमुख सखी, विशाखा जी का जन्म स्थान। इसके पहले जो हमने आंजनव गांव में पढ़ा था, तो ये अष्ट सखियों में से विख्यात श्रीमती विशाखा सखी का निवास स्थान है, जहाँ पे अभी वो रहती है। अभी मैंने लेटर वो आंजनव गांव में रहती थी, और कामाई गांव वो गांव है जहाँ पे विशाखा जी का जन्म हुआ था। तो ये बरसाने से 5 माइल तथा उमराव गांव से 4.5 मील दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। कामाई दक्षिण में सी मने मैं शीघ्र आऊंगा ऐसे बोलते हैं, और मैं परसों आ जाऊंगा ऐसे बोलते हैं। तो सी गांव और परसों गांव के दक्षिण में स्थित है कामाई गांव। नेक्स्ट गांव इज करेहला। तो ये ललिता सखी का जन्म स्थान है। ललिता सखी विवाह के बाद ऊंचा गांव में रहने चली गई थी, और अभी और उनका जो जन्म स्थान है वो है ये करेहला। करेहला तो करहाला गोपी के पुत्र गोवर्धन मल अपनी पत्नी चंद्रावली के साथ यहाँ कभी कभी रहते थे। कभी कभी सखी थरा सखी स्थली गोवर्धन के निकट में रहते थे। और चंद्रावली के पिता का नाम चंद्रभानु गोप था, और उनकी माता का नाम इंदुमती गोपी गोपी था। चंद्रावली जी जो श्रीमती राधा रानी की जेठी बहन। वृषभानु महाराज 5 भाई थे, वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, भानु, श्री भानु। तो वृषभानु जी जो है वो सबसे बड़े भाई थे, और राधा रानी वृषभानु जी की कन्या होने के कारण उनका
रानी और चंद्रवाली दोनों क्या हो गए, बहने हो गए, क्योंकि ऋषभानु के जो भाई हैं वो चंद्रवाली के पिताजी हैं, चंद्रभानु गुप्त, तो ये दोनों बहने हो गए। तो पद्मा आदि युधिष्ठिर, मैंने जो पद्मा और उनके जो ग्रुप की संख्या थी वो हमेशा चंद्रवली दोनों बहने रखती थी। तो जो चंद्रवली हैं तो उनका भी ग्रुप था, उनकी भी अपनी एक सखियां, जब हम युथेश्वरी बोलते हैं तो ये मैंने ग्रुप्स ऑफ गोपियां सखियां, तो ये इतना एक ग्रुप होता है। तो उसकी जो हेड है पद्मा, तो पद्मा और उनके ग्रुप की जो सखियां हैं वो हमेशा ये प्रयत्न करती थी कि किस तरह वो चंद्रावली कृष्ण का मिलन करवा सके। तो यहाँ पर है कंकन कुंड, कदम खंडी, झूला, श्री वल्लभाचार्य की बैठक है, शैलेश तथा श्री गोकुलनाथ जी की भी बैठक है। यह स्थान कामाई से 1 मील के उत्तर में है और भाद्र पूर्णिमा तिथि में बुरी लीला में यहाँ रासलीला होती है। लुधौली, तो ये पीसाई गांव से आधा मील पश्चिम में है और यहाँ पर लाइफ ने राधा रानी और कृष्ण दोनों का मिलन कराया था, और दोनों यहाँ पर मिलकर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे में एकदम हो गए थे, लुप्त हो गए थे। इसलिए लुप्त होने के कारण इस स्थान का नाम दुधोली हो गया, यानी समय के साथ बोलचाल की भाषा में शब्द भी जाते हैं, जैसे लुप्त का लुद्ध हो गया तो बा हट गया और लुद्ध बच गया, तो लुधोली पड़ गया गांव का। तो गांव के बाहर उत्तर में ललिता कुंड है जहाँ दोनों का मिलन हुआ, और कुंड के पूर्वी तट पर ललित बिहारी जी का दर्शन। पीस आएगा उच्चारण के समय कृष्ण को बहुत प्यास लगने पर बलदेव जी ने जल लाकर उनको पिलाया था, तो इसलिए इस गांव का नाम क्या हो गया, पीस, पिसाई कैसे, प्यास आई, तो वर्ड था प्यास आई, धीरे धीरे वो प्यास आई वर्ड बिगड़ के पीस आई बन गया, इसलिए इस गांव का नाम पीस। तो इस तरह इस गांव का नाम पिसाई हो गया। गांव के पास ही यहाँ पर कृष्णा कुंड भी है और विशाखा कुंड भी है, और गांव के पास उत्तर पश्चिम में मनोहर कदम खंडी है, और यह गांव उत्तर गांव से 1.5 मील के उत्तर में स्थित है, यानी सब गांव एक दूसरे से आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोकेटेड है। नेक्स्ट गांव इज सहार, तो यह नंद जी के सबसे बड़े भाई उपनंद जी का निवास स्थान है, नंद बाबा के जो सबसे बड़े भाई थे उपनंद, उनका ये घर है स्थान। जो उपनंद थे वो बहुत परम बुद्धिमान, और इसलिए वो हमेशा हर प्रकार से महारंग के काउंसलर थे, उनको परामर्श देते थे, उनको सलाह मशवरा देते थे। तो ये नंद बाबा श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी नंद नंदन, ये जो उपनंद जी हैं ये नंद नंदन श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। इन्हीं उपनंद के पुत्र हैं सुरथ, जिन्हें श्री कृष्ण अपने सहोदर ज्येष्ठ भ्राता के समान आदर करते थे। सुभद्र सखा, ज्योतिष आदि समस्त कलाओं में पारदर्शी और कृष्ण के प्रति बहुत स्नेहशील थे, और ये गोचारण के समय सब प्रकार की विपदाओं से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहती थी। इन्हीं सुभद्र की पत्नी का नाम कुंडलता है, कृष्ण इनके जीवन सर्वस्व थे। ये बड़ी परिहास प्रिया थी तथा कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में अत्यंत पटु थी। परिहास पूर्ण प्रिया मतलब ये हंसी मजाक करने में दक्ष, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही जोवियल नेचर के होते थे, ये उसी तरह की थी, और ये हमेशा ये कृष्ण इनके प्राण थे, और रानी और कृष्ण का हमेशा वो मिलन कराने में बहुत ही दक्ष थी। यशोदा के आदेश से श्रीमती राधिका को जावत से रंधन कार्य अपने साथ लाती थी, तो यही थी जो जावत जाती थी और अपने साथ राधा रानी को लेकर आती थी यशोदा मैया के पास, ताकि वो रंधन मने किंग कर सके। सांखी, ये लीला स्थान नरी से 1 मील पश्चिम तथा साहार से 2 मील उत्तर में, यहीं पर श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वध करके उसके मस्तक मणि से मणि निकाल कर श्री
श्री बलदेव जी को दिया था, जो बाद में उन्होंने राधा रानी के पास भिजवा दिया। तो एक दिन गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड के निकट सखा मंडली के साथ कृष्ण, सखी मंडली के साथ राधा रानी परस्पर रंगी खेलने में व्यस्त थी। तो ये लीला हम लोग पीछे कर चुके हैं। उसी समय शंखचूड़ नामक असुर गोपियों को पकड़ कर ले भागता है, और श्री कृष्ण ने शाल के वृक्षों को हाथ में उठाकर उसे मारने के लिए पीछा किया। इन दोनों को प्रचंड वेग से आते हुए देखकर वह गोपियों को छोड़ अकेले ही दौड़ पड़ा, किंतु कृष्ण ने दाऊ भैया को गोपियों की रक्षा के लिए वहां रखकर अकेले ही उसका पीछा किया, तथा यहाँ आने पर चूड़ का वध करके उसके मस्तक से मणि निकाल ली, और उन्होंने वह मणि बलदेव जी को दे दिया। बलदेव जी ने उस मणि को धनिष्ठा के हाथों से श्रीमती राधिका के पास भेजवा दिया, और श्रीमती राधिका ने उसे बहुत आदर से ग्रहण किया। और इसके बाद ही रामपुर है, जिसको रामतला भी कहते हैं। राम जब भी यहाँ पे राम शब्द यूज हो रहा है, तो राम जी के लिए यूज होता है। छत्रवन, छाता, छत्रवन मैंने छाता। तो मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा से 20 मील के उत्तर पश्चिम तथा पायगांव से 4 मील दक्षिण पश्चिम में। पायगांव से 4 मील के दक्षिण पश्चिम अवस्थित है। छत्रवन का वर्तमान नाम छाता है। गांव के उत्तर पूर्व कोण में सूर्य, दक्षिण पश्चिम कोण में चंद्रकुंड, और चंद्रकुंड के तट पर दाऊजी का मंदिर विराजमान है। यहाँ पर श्री राम, श्री राम सखा आदि सखाओं ने श्री कृष्ण को सिंहासन पर बैठाकर ब्रज का श्री महाराज बनाकर एक अभूतपूर्व लीला अभिनय अतुक रचा था। मैंने खेल खेल में उन्होंने कृष्ण को छत्रपति राजा बना लिया था। आखिर श्री राम ने क्या किया, श्री कृष्ण के सर के ऊपर छत्र धारण किया, और अर्जुन जो है वो चामर ढुलाने लग गया, मधुमंगल सामने बैठकर विदुषक कार्य करने लगा, यानी वो विदुषक यानी जोकर की तरह बन के कृष्ण को हंसाने की कोशिश करने लगा। सुबल जो है वो तांबुल टीका देने लगा, यानी पान का जो होता है तांबुल वो देने लगा, तथा सुबाहु और विशाल आदि को सखा प्रजा का अभिनय करने लगा, मैंने वो प्रजा बन गए। तो इस तरह वो लोग खेल खेल रहे थे, अभिनय कर रहे थे कि कृष्ण जो है राजा है और छत्रपति राजा है, तो उनके ऊपर छत्र लगा दिया। तो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे थे। तब छत्रपति महाराज कृष्ण ने मधुमंगल के माध्यम से सब जगह सर्वत्र घोषणा करवा दी कि महाराज छत्रपति नंद कुमार यहाँ के एक छत्र राजा है, तो यहाँ अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। गोपियाँ प्रतिदिन मेरे इस बाग को नष्ट कर, वे सभी दंडनीय हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ ये अभिनय लीला कौतुक क्रीड़ा किया था, इसलिए इस गाँव का नाम वन या छाता हो गया। उमराव, छत्रवन से लगभग 4-5 मील एवं पूर्व दिशा में उमराव गांव स्थित है। श्री कृष्ण की दुहाई सुनकर सखियों ने ललिता के पास कृष्ण के विरुद्ध शिकायत कर दी। जब भी कोई शिकायत करनी हो ललिता सखी के पास जाते हैं, ललिता सखी बहुत ही स्ट्रांग है, और वो कृष्ण को भी कुछ भी बोल सकती है और राधा रानी को भी कुछ भी बोल दे सकती है, यानी उनका एकदम पावर है इतना स्ट्रांग। तो ललिता दी सखी क्रोधे कहे बार बार, राधिका राजे के करे अधिकार, एछे कट कही ललिता दी सखी गण, राधिकारे उमराव केला इच्छा। तो ललिता सखी ने कहा, ये राज्य राधा रानी का है, तो फिर कृष्ण कैसे इस पर अपना अधिकार जताने। तो ललिता जी सखी ने क्रोधित होकर कहा कि ऐसा कौन है जो के राज्य को अपने अधिकार में कर सकता है, हम इसका प्रतिकार करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा कहकर राधा रानी को एक सुंदर आसन पर पधराकर उनको बैठाकर उमराव होने की घोषणा कर दी। उमराव यानी उसका तात्पर्य है राज्य के अजय, यानी जैसे राजा होता है वैसे रानी होती है, तो इसी तरह
उन्होंने उनको घोषित करवा दिया कि अब राधा रानी यहाँ की उमराव है, यानी भी यहाँ की रानी है, और उनको सिंहासन में बैठाकर सारी जगह घोषणा करवा दी। जिस तरह गोपियों कृष्ण ने घोषणा करवा दिया अपने सखाओं के द्वारा, इसी तरह अब ललिता सखी ने भी राधा रानी को सिंहासन पर बिठा दिया और घोषणा करवा दी। चित्रा सखी ने उनके सर पर छत्र धारण किया और विशाखा सखी जो है उनको चावल ढुलाने लग गई। ललिता सखी राधिका के बाएं बैठकर मंत्री का कार्य करने लगी, और क्योंकि सब कुछ ललिता सखी का है, कोई सखी उन पान का बीड़ा देने लगी तथा अविष्ट अवशिष्ट या प्रजा का अभिनय करने, तो बाकी के जो बची हुई सखियां थी वो सब उनकी प्रजा बन गई। तो राधिका जी ने सिंहासन पर बैठकर सखियों को दिया, जाओ जो मेरे राज्य पर अधिकार करना चाहता है उसे पराजित कर तथा बांध कर मेरे सामने उपस्थित कर दो। जो मैंने उनका तात्पर्य था कि कृष्ण कृष्ण उनके राज्य को अपना कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैं छत्रपति हूँ, राजा हूँ, तो मोर राजा अधिकार करे एई जन परा भाव करी तारे आन एई शन, उनको उनको हराओ और उनको मेरे सामने लेकर उपस्थित करो। तो उमराव का आदेश मैंने राधा रानी का आदेश पाकर सहस्त्र सहस्त्र सखी यानी 100 से 100 जो सखियां हैं वो हाथों में पुष्प छड़ी, उनके हाथों में जो छड़ी है वो पुष्पों की बनी हुई है, फूलों की छड़ी है, वो युद्ध के लिए तैयार के लिए यात्रा करती है। अर्जुन, लवंग, भृंग, कोकिल, सुबल और मधुमंगल उन्हें देखकर उधर इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे तो वो बड़े स्ट्रांग बनते हैं, सखियों को देखते हैं तो वो सारे डर जाते हैं, परंतु किसी चतुर सखी ने मधुमंगल को पकड़ ही लिया और उसे पुष्प माला द्वारा बांधकर, फूलों की जो माला है वो उनकी रस्सी है तो उससे बांधकर राधा रानी के चरण उमराव के चरणों में उपस्थित है। तथा कुछ गोपियां मधुमंगल को दो चार भी जड़कर बोली, यानी दो चार पंच भी लगा दिया उसको, और फिर बोलती है कि हमारे उमराव के राज्य पर अधिकार करने का इतना साहस अभी हम देखते हैं। तो मधुमंगल पराजित सेनापति की भांति सिर नीचे करके कहने लगा, ठीक है हम पराजित हैं, किंतु दंड ऐसा दो कि हमारा पेट भरे। तो जब जब भी सोचते हैं तो अपना पेट भरने के बारे में ही सोचते हैं। तो ऐसा सुनकर महारानी राधिका हंसकर बोली, या कोई पेटू ब्राह्मण है उसे मुक्त कर दो। तो सखियों ने उसे पेट भर लड्डू खिलाकर छोड़ दिया। मधुमंगल लौट कर छत्रपति महाराज कृष्ण को अपने बंधे जाने का पूरा विवरण और सुनाकर रोने का अभिनय किया। सच में तो नहीं रो रहा है क्योंकि इतने सारे लड्डू खा के आया है, तो रोने का अभिनय करता है। ऐसा सुनकर कृष्ण बल और सखाओं को लेकर उमराव के पास ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब श्रीमती राधिका ने अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखा तब वो बड़ी लज्जित हो अपने उमराव वेश को दूर करने के लिए चेष्टा करने लगी। सखियां हंसती भी उन्हें ऐसा करने से रोकने लगी। तो जब तक कृष्ण उनके नहीं थे तब तक वो रानी की तरह बैठी थी, लेकिन जब वो कृष्ण को सामने देखती है तो उन्हें लज्जा आती है, और फिर उनके सर पे जो ताज वो पहना है तो वो उनको चाहिए, लेकिन सखियां उन्हें रोकने की चेष्टा करती है। सखियां हंसती भी उन्हें ऐसे से रोकने लगी। मधुमंगल छत्रपति बने हुए को उमराव राजा के जिम्मे दिया, दोनों में संधि संधि होती है और फिर कृष्ण राधिका का अधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकार कर लेते हैं कि इस पूरे राज्य की जो रानी है वो कौन है, श्रीमती राधिका रानी। और इस तरह मधुमंगल ने श्रीमती राधिका के प्रति हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण का अंग रूपी राज्य अब तुम्हारे अधिकार में है, अब जो जिनसे भेद ग्रहण कर सकती है, तो मैंने कृष्ण का सारा राज्य अब तुम्हारा है राधा रानी। सारी सखियां और सखा इस अभिनय की रास विलास को बहुत आनंदित होते हैं और उमराव लीला के कारण इस गांव का नाम क्या पड़ गया, उमराव। और यह स्थान राधा स्थली के प्रसिद्ध है। और इसके बाद पूर्णमासी जी ने यहाँ पर राधा रानी को ब्रजेश्वरी के रूप में अभिषेक किया और यहाँ किशोरी कुंड भी है। श्री लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पर भजन करते, किशोरी कुंड से श्री राधा विनोद विग्रह प्रथा, और ये श्री राधा विनोद जी
लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य देव हैं। अब यह शिव विग्रह जयपुर में विराजमान है, तो ये वाला विग्रह भी जयपुर में है। धनाशिंगा, उमराव गांव के पास ही धनाशिंगा गांव है। धनाशिंगा धना सखी का गांव है। धनिष्ठा जी कृष्ण पक्ष के सखी है और ये सदैव यशोदा जी के घर में विविध प्रकार के सेवाओं में नियुक्त रहे। इसका दूती का कार्य करती है। जो धनिष्ठा जब कृष्ण भोजन कर लेते हैं तो जो उनका कृष्ण भोजन करने के बाद थोड़ा सा अपनी थाली में छोड़ देते थे और धनिष्ठा उसे सबकी नजरों से छुपा कर राधा रानी के पास ले आती थी। राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रसाद होता था। तो धनिष्ठा जो है वो ये दूती का कार्य भी करती है और यशोदा मैया के घर में अनेक प्रकार की सेवाओं में वो नियुक्त रहती। कोसी या कुश स्थली, तो ये भी बहुत सुंदर लीला स्थली है। मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर मथुरा से लगभग 35 मील और छत्रवन से लगभग 10 मील की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुशस्थली द्वारका धाम का दर्शन कराया। जहाँ द्वारका धाम का दर्शन कराया था वहाँ गोमती कुंड है जो गांव में विराजमान है। यहाँ किसी समय श्रीमती राधिका ने विशेष भंगी के द्वारा कृष्ण से पूछा था, कोसी तुम कौन हो? इसलिए इस स्थान कोसी वन भी है। ये बहुत ही सुंदर लीला है कृष्ण और राधा रानी के बीच में। किसी समय श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बहुत ही ललायत होते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं और फिर वो राधा रानी के भवन के कपाट के दरवाजे के पास पास पहुंच के बताते हैं। तो इस तरफ राधा रानी उनसे पूछती है, कोसी कौन है? तो कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं कृष्ण। राधिका बोलती है, कृष्ण सबका एक अर्थ काला नाग भी होता है। तो राधा रानी क्या बोलती है, यदि तुम कृष्ण हो मतलब तुम तो काले नाग हो, तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है? क्या मुझे दसना चाहते हो? तो तुम वन में जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो वो दरवाजा नहीं खोलती है। कृष्ण वापस पास से बोलते हैं, नहीं प्रियतमे, मैं तो घनश्याम हूँ। तो घनश्याम का मतलब क्या होता है? काला बादल। तो अब राधा रानी क्या बोलती है, यदि तुम घनश्याम हो तो तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ बरस कर मेरे आंगन में कीचड़ मत करो, वन में जाओ, खेतों में जाओ और वहां जाकर बरस। तो कृष्ण बोलते हैं, प्रियतमे मैं चक्री हूँ। तो चक्र शब्द का एक मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है उसको भी चक्री बोला जाता है, वो चाकते बनाता है इसलिए। तो यहाँ चक्री की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में कोई विवाह उत्सव थोड़ी हो रहा है। जहाँ विवाह उत्सव होता है वहाँ तुम अपने मिट्टी के बर्तनों को लेकर जाओ। तो वो मानती नहीं कि कृष्ण है। तो कृष्ण बोलते हैं, प्रियतमे मैं मधुसूदन हूँ। तो मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? भ्रमर, भौरा। तो यदि तुम मधुसूदन हो तो शीघ्र ही यहाँ से जाओ, दूर जाओ, कहीं पुष्प वनों में जाओ, वहां पर पुष्पों के ऊपर अपना रस पान करो। यहाँ पर कोई पुष्प उद्यान नहीं है, हमारे यहाँ कोई गार्डन नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं, कहते हैं, अरे मैं तुम्हारा प्रियतम हरि हूँ। राधा रानी हंस कर कहती है कि हरि शब्द का एक और मतलब होता है, दो मतलब होता है, एक मतलब होता है बंदर, दूसरा मतलब होता है शेर। तो बोलती है, या बंदरों और शेर की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्या तुम मुझे नोचना चाहते हो? तुम शीघ्र ही गंभीर वन में भाग जाओ। मैंने बंदरों का स्थान कहाँ होता है? वनों में होता है। तो तुम जल्दी जाओ, वन में भाग जाओ, हम बंदरों और सिंहों से डरती है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी हरि से नाना प्रकार के हास प्रयास करती हैं और वे हम पर प्रसन्न हो इस हास प्रयास की लीला भूमि को कोसीवन। तो हम अभी हमारी मीटिंग को यहाँ पे स्टॉप करके मैं दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, तब तक आप लोग हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।